सर पैसा बहुत बड़ी चीज है क्या समझ रहे नहीं दे, नहीं दे। आप पैसा वो सब इतनी चीज होती नहीं है जितना लो? हमने सुना है। जब आ है आपके हिसाब से कह रहा हूँ मुझसे आपके लिए। मुझसे ज्यादा पैसे इस कमरे में ही बहुत सारे लोगों के पास आजकल यूट्यूबर जो है ना बहुत बड़े पैसे यूट्यूब की सच्चाई जो दिख रहा है ना गाड़ी और बाइक वो भाड़े की भी होती है देखो ये जनरली बता रहा हूं आप कुछ लोगों के होती है तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा है कि तुम्हारे भाड़े की होगी <laughs> तो आपको कहा किसने हम पे गाड़ी और वो सब <laughs> सर हम तो भिज के आए एक गाड़ी में सामान भी था क्रू भी था ये सारा जो अभी तो ठीक है अभी तो इस उम्र में कपड़े से तो लग रहा है बंदा सर वैसे आप कुछ कह रहे थे पैसों को लेकर कुछ आपका क्या टेक है मतलब पैसे का मैंने ये रियलाइज किया है जिंदगी में पैसा एक हद तक जरूरी है एक हद तक जरूर की उतना की जिससे कि आप बीमार पड़ें तो अच्छा इलाज कर सको और आपका आपका बच्चा है तो उसको अच्छा एजुकेशन दे सको एक एक ठीक ठाक कंफर्टेबल जिंदगी जी सको इज़्ज़त वाली इज़्ज़त वाली जहाँ पे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े अदरवाइज उसका अंत है नहीं है ना अंत तो मतलब अंबानी है है नंत आपसे मतलब इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं उन और आप YouTube करके मैं एक्टिंग करके मैं वो नहीं बन सकता हूँ सही बात है ना तो आपको ग्रीड की सीमा जो है आपको खुद बांधनी पड़ेगी सर ऐसे पहले थी कि पैसे जैसे कि आपने कभी ऐसा कुछ कभी हुआ आपके साथ कि किसी रोल में पैसे कम मिल रहे हो ले और आपने ठुकरा दिया हो सिर्फ क्योंकि पैसे कम है ऐसा, नहीं, ऐसा कभी, कभी हुआ। नहीं हुआ, हुआ। अगर आ, हमेशा अगर पैसे को बाई प्रोडक्ट मान के चलोगे ना तो ज़िंदगी में खुश रहोगे क्योंकि अगर पैसे की डेस्प्रेशन अभी है तो बॉस जर्नी बड़ी बहुत छोटी है फिर और अगर आपका काम सर्वोपरि है काम बड़ा है तो पैसा आ जाएगा बॉस सर लेकिन आ, हाँ बोलो सर बोलो। फिर आपको न आ, आ, आपको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस टाइम लगता है कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है कुछ लोगों को लेट से मिलता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर पैसा ही सर्वोपरि हो गया तो भी ये मान के चलो कि फिर आपकी यात्रा बड़ी छोटी रह जाएगी ये ये मेरा अपना बहुत ही दृढ़ विश्वास है बहुत ही स्ट्रोंग मेरा इसमें बिलीफ है क्योंकि शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करोगे क्वालिटी को लेकर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो आप क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ कौ, कौ, कर रहे हो बाय प्रोडक्ट को लेकर के तो ये मान के चलो कि आपकी जर्नी बहुत छोटी होने वाली है सर ऐसे आप बिलीव करते हो लाइक लग्जरी पे कि हाँ मतलब हर चीज़ लग्जरी होनी चाहिए मेरे घर में गाड़ी लग्जरी और ऐसा कुछ मैं बड़ा मिडिल क्लास लाइफ हम लोग जीते हैं है ना बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं और हमें बड़ा गर्व है उस उस जीवन पे लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी एक इज्जत बना लेते हो ना सर काम से तो लोग ही आपको उस तरीके की जिंदगी आपको देते रहते हैं ना फिर हमको मांगना नहीं पड़ता उस चीज को वो देते हैं लेकिन वापस से हम जा करके हम अपनी वही कंफर्टेबल एक अपनी मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं क्योंकि शांति है वहाँ पे जब लालच कम है तो शांति ज्यादा है तो आपको चूज करना पड़ेगा ग्रीड और पीस एंड वी चूज पीस ओवर एवरीथिंग एल्स सर हमने सिर्फ सुना ही है ऐसा कभी होता है किसी इवेंट में जाना है जैसे आपको या किसी बॉलीवुड पार्टी या कोई भी एक्सवाइसी पार्टी में जाना है तो लंबी गाड़ी से ही जाना है वहाँ पे तो पापाराजी है वीडियो बनेंगी आपकी बिल्कुल सोशल मीडिया पे जाएंगी नहीं तो नहीं। आप मेंटेन करते हो जीज़? देखो बहुत सही कह रहे हो तुम बहुत ही पते की बात कही तुमने एक होता है कि स्टेटस सिंबल है ना मेरे पास में एक बड़ी गाड़ी है एक छोटी गाड़ी छोटी सस्ती सस्ती गाड़ी जान के करके सस्ती वाली बता दो नहीं हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि वो जान के करके रखी है हमने क्योंकि उसको मैं चलाता हूँ अच्छा क्योंकि मैं बड़ी गाड़ी नहीं चला सकता मुझे मुझे जो है प्रॉब्लम होती है आ, क्योंकि मैं पार्किंग कहाँ करूँगा और मैं फिर उसका हर चीज़ सीखूँ कि उसका ब्लूटूथ कैसे लगाओ स्पीकर कैसे लगाओ और उसको पार्किंग कैसे करो पच्चीस हज़ार चीज़ें कॉम्प्लिकेशन है उसमें चलने दो भारत देश का ये <laughs> अभिन्न अंग है ये तो छोटी गाड़ी लेता हूँ और मैं आसपास के इलाकों में ग्रोसरी शॉपिंग ये वो सब्जी वगैरह लेने के लिए या कहीं हम लोग जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट पे मैं और मेरी वाइफ वगैरह सब मेरी बच्ची जा रहे हैं तो हम लोग खाना खाने के लिए उसी में जाते हैं मैं चलाता हूँ ड्राइवर नहीं होता है तो और हम इजी रहते हैं उसमें तो व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग कि वी चूज पीस ओवर एवरीथिंग एल्स अगर मुझे अपने गाड़ी के इंस्टॉलमेंट देने के लिए मुझे कोई फिल्म करनी पड़े देन देर इज अ प्रॉब्लम